क्योंकि आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, अजय पिता जी ने मेरा परिचय नहीं किया, उसी वजह से मैंने एमए किया, एमफिल किया और पीएचडी किया है। कि मैंने सोचा कि हम लोग लोगों के प्रचार करते हैं, बाबा साहब के बारे में बताने जाते हैं लोगों को, लेकिन धम धम क्या है, देशवासियों को जो बहुजन समाज के लोग हैं मजबूती से हम लोगों के दिमाग में दोबारा से ठूसने की ताकत में लगे हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने हमें बताया उसे हमें दोबारा से अपने लोगों को उस तरफ लौटना है, किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए हमें हमारे समाज में इस तरह के जो सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण जो हमारे बीच में जैसे प्रकाश जी कर रहे हैं, उठाया है इनका जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने स्वामी इतने सारे आचार्य कराए हैं। मैं भी चाहूंगी कि इस तरह का सर्टिफिकेट मुझे भी मिले और बहुत सारी गाथाएं मैं याद कर लूं, क्योंकि मेरा विषय था जो पीएचडी का वो था डॉक्टर द्रौपदी कीर्ति जी को आप सब लोग जानते होंगे, उन्होंने बहुत किताबें लिखी और उनकी ये अंतिम इच्छा थी, उन्होंने 5 एमए किए थे और 2 एमफिल, 4 पीएचडी और 1 डीलिट किया हुआ था। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसी मिले मुझे जो मेरे बताया कि किस प्रकार मैं अपने पुस्तकों में साहित्य के द्वारा भारत को भ्रमण करने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो समाज कैसे आएगा, वो समाज को बताए कि मैंने क्या लिखा है। पूर्ण संध्या पर आयोजित प्रोग्राम जिसको परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में आज यहाँ धम्मपथ ट्रस्ट की टीम मना रही है, तो धम्मपथ ट्रस्ट के संस्थापक श्रद्धे वकील साहब जयमी प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका आदेश बाबा साहब ने दिया था। बाबा साहब अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि एक अच्छा बौद्ध होना काफी नहीं है, एक अच्छा बौद्ध होने के साथ साथ उस धम्म का प्रचार प्रसार करना सबसे बड़ी बात है और यही एक अच्छे व्यक्ति का परिचय है। एक अच्छा व्यक्ति बौद्ध बन जाए और घर में बैठा रहे तो किसी काम का नहीं है, वो अपना भी भला नहीं कर पाता है, बल्कि एक व्यक्ति अच्छा बौद्ध बनने के बाद में धम्म का प्रचार प्रसार करे वो एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति है, ऐसा बाबा साहब ने कहा। साथ ही धार्मिक तो सांस्कृतिक परिवर्तन है और बाबा साहब कैसा धर्म चाहते थे ये विषय जो मुझे मिला और मैंने जब इसको कोशिश की पढ़ने की तो पता चला कि बाबा साहब बहुत कुछ समझाना चाहते थे। बाबा साहब क्या समझाना चाहते थे कि उससे पहले मैं ये सब आपको बताऊं और आज के मंच पर जो हमारे मुख्य अतिथि श्री राजकृपाल गौतम जी उनका भी चले गए अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के मंच के संचालन कर रहे जयवीर प्रकाश जी को भी जयवीर करते हुए और यहाँ आए हुए सभी और जो मुझसे अलग अच्छे अच्छे वक्ता हैं उन सभी को जयवीर करते हुए और आप सभी जो इस आज के प्रोग्राम की शान है, जान है, जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। तो धम्म की सेवा करती रहनी चाहिए, ये धम्म को प्रचार प्रसार करना यही धम्म की सेवा है और ये आदेश बाबा साहब ने हमें दिया
और इस आदेश को लेकर हमें चलना है। दो लाइनों के साथ देते हुए अपनी बात को खत्म रखता हूं और आपको बताते हुए आपसे विराम लेता हूं, जय भीम करता हूं इस बात के लिए कि हम वो डला नहीं भूल जाए पानी में, हम वो डला नहीं भूल जाए पानी में, कौम की खातिर मिट जाएंगे, कौम की खातिर मिट जाएंगे भरी जवानी में। जय भीम साथियों, जय भीम साथियों, जय भीम साथियों। ये जेल में कुछ नहीं, जब हम तो भरी जवानी में लुट जाएं इस मिशन की खातिर, बाबा साहब के धर्म की खातिर, तो हमें कोई वो डलाना समझे। हम बाबा साहब के लिए संकल्पित लोग हैं, संकल्पवान लोग हैं, तो बाबा साहब जो आपने आदेश दिया है सच्चाई के साथ अच्छे और सच्चे बौद्ध बनकर उस पर हमेशा चलते रहेंगे। मुझे शायद टाइम जो मिला से एक दो मिनट ऊपर ही ले ली होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों का। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है
तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन@gmail.com पर। धन्यवाद।